हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाबी से रसगुल्ले। बिल्कुल इसमें दूध भी नहीं लगेगा, ना ही खोया लगेगा। ये सूजी के रसगुल्ले बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे, तो बने रहे हमारे इस रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध ले लिया है 1/2 लीटर, और उसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने 3 से 4 टीस्पून शुगर ले ली है, और 1 टीस्पून कस्टर्ड लेना है, और उसे पानी में भिगो लेना है। कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके इसमें दूध में ऐड करना है, और जल्दी जल्दी से हमें घुमा देना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। और जो शुगर ली थी वो शुगर भी इसमें ऐड कर देंगे, और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे औटने देंगे। दूसरी तरफ हमने जो सूजी को हल्का सा भून लिया था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देना है ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और इसमें हमने कलर और फ्लेवर के लिए 2 से 3 टीस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। और इसे भी मिक्स कर लेना है, और गरम गरम में ही इसके हमें गोल गोल रसगुल्ले के साइज के गोले बना लेना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, या आप चाहे तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल के इस तरीके से पैक कर दीजिए और गोल इसको बना लीजिए। एक एक करके हम सारे गोल इस तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल रसगुल्ले गुलाब जामुन के साइज के। और ये देखिए पिंक पिंक से रसगुल्ले बनके तैयार है। तो अब हम इसे डाल देंगे मिल्क में। यहाँ पे मिल्क हल्का हल्का सा गर्म है, तो इसमें अच्छे से हम डीप कर देंगे सारे रसगुल्ले, और ऊपर से 2 से 3 टीस्पून रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो बनके तैयार है हमारे ये नए तरह के रसगुल्ले। तो इसे फटाफट हम सर्व कर देते हैं। तो ये रसगुल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और बहुत ही जल्दी और सूजी की ये रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।